सब्सक्राइब करें डीके गुप्ता चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ईवीएस के, जो कि 11th परिवहन के साधन। देखिए, इससे रिलेटेड एक या दो नंबर का क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछा गया है, तो इस वीडियो का आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उस क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट में दे रखा है आपको, आसाम में बांस से बने पुल वर्षा ऋतु में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आसाम में होता है वहाँ पर जो पुल बनते हैं वो अधिकतर बांस से होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बांस की खेती बहुत होती है और बांस वैसे भी फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है और वर्षा ऋतु में वो बहुत काम आता है। वहाँ के लोकल जो होते हैं वो पुल बनाते हैं अपना उसी से ही, ओके। और कई बार आसाम में जो वर्षा ज़्यादा होने के कारण जो अपना घर बनाते हैं वो भी बांस के ऊपर ही बनाते हैं, बांस का स्टैंड लगा के, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, उत्तर की पहाड़ियों पर बर्फ जमी रहती है जबकि उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। देखिए, उत्तर की पहाड़ी जो देखिए ऊपर की तरफ यानी कि जेएनके की तरफ आपको देखिए उत्तर की तरफ यहाँ पर जो भी सारे होंगे वो भी सारे बर्फीले इलाके होते हैं, और जो उत्तराखंड के इलाके हैं वहाँ पर ऐसा होता है जो सर्दी के दिनों में यानी कि विंटर सीजन में वहाँ पर बर्फ होती है, लेकिन वहाँ के इलाके जो है पहाड़ी इलाके हैं, तो इसलिए वो उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गाँव में, देखिए गाँव में जो सवारी करने का जो साधन होता है वो क्या होता है, बैलगाड़ी। अगर किसी गांव में ज़्यादा पानी वगैरह हो, जैसे मेघालय वगैरह हो गया, असम वगैरह हो, तो क्या होता है, नाव से होता है और साइकिल होती है। आजकल थोड़ा मॉडर्न है तो गाड़ी और व्हीकल वगैरह आ गए हैं, लेकिन मेन गांव के साधन करने का क्या है, ये तीन ही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए गाँव में तो बैलगाड़ी, नाव और साइकिल से होता है, लेकिन शहरों में किस चीज़ से होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो होता है बस से, मोटर कार से, मेट्रो से, रेल से और रिक्शे से। पॉइंट नंबर 5, विदेश जाने हेतु किस चीज का उपयोग किया जाता है, हवाई जहाज का। पॉइंट नंबर 6, जो कि पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, घोड़े और खच्चर, खच्चर एक तरीके से गधे लगा लो आप, गधे का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो खच्चर ही कहा जाता है उनको, तो पहाड़ी इलाकों में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ उबड़ खाबड़ इलाके होते हैं तो काफी चीजें ट्रांसपोर्ट इजिली नहीं जा पाते। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, जो कि हॉस्पिटल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, एम्बुलेंस का। नेक्स्ट पॉइंट 8 में बोला गया दूर जाने हेतु, कई बार दूर जाने हेतु यानी कि बहुत दूर जाने होते हैं विदेशी वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, एरोप्लेन का इस्तेमाल, लेकिन थोड़ा दूर या फिर किसके हिसाब से आप बस रेल का इस्तेमाल करते हैं, ओके। पॉइंट नंबर 9, 50 साल पहले बैलगाड़ी, टांगा, बस व रेल यातायात के साधन थे। तो 50 साल पहले जो अधिकतर थे वो बैलगाड़ी, टांगे, बस, रेल तो फिर भी नहीं थी इतनी, लेकिन बैलगाड़ी, टांगा जो थे वो बहुत बड़े साधन थे, लेकिन आजकल बस और रेल ने भी थोड़ी जगह ले ली है, और उसके बाद में अपने जो व्हीकल्स होते हैं मोटर कार और मोटरसाइकिल, इनके जाना ज़्यादा अपना इन्होंने एरिया घेर कर लिया, ओके। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 में देखिए यातायात में जो हॉर्न होते हैं उससे क्या होता है, कोई भी यातायात हो तो उससे जो हॉर्न बजाते जाते हैं उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। आपने अधिकतर हाईवे में भी देखा होगा, एक साथ जब हॉर्न बजते हैं तो कितनी ध्वनि प्रदूषण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 11th, प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच रेलगाड़ी चली गई। तो ध्यान रखिए जो चलाई थी, ये ध्यान रखिएगा, ये चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, और उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो पहली रेलगाड़ी कब चली थी, ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से लेके ठाणे के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। ठाणे से कई बार ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा ठाणे से मुंबई, लेकिन वो मुंबई से ठाणे के बीच में चल रही थी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है 12th में बोल रखा है लद्दाख में बच्चे नदी पार करने हेतु टल्ली का प्रयोग या सहारा लेते हैं। देखिए, यदि नदी में होते हैं वहाँ के इलाके जो होते हैं वो थोड़े बहुत नाव का वो आप हैंडमेड लगा लो, होममेड लगा लो, वो चीज़ होती है उसी में बैठकर वो पार करते हैं टोकरी सी, ओके। पॉइंट नंबर 13 में देखो बोल रखा है घिरनी एक उतरलक है, इससे क्या होता है, एक जो आपने देखा अभी हुआ कुएं के ऊपर है ना, दो तरफ से स्टैंड लगाए होते हैं और बीच में जो घिरनी होती है गोल ट्रैक सा, वो जो रस्सी खींचने पर घूमती है उसी को कहा जाता है, ओके। जो कुएं से पानी खींचने में इसका प्रयोग किया जाता है, इस घिरनी का, ओके। नेक्स्ट पॉइंट 14 में बोल रखा है केरल के कुछ भाग में बच्चे पानी को पार करने हेतु क्या करते हैं, वल्लम, ये लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव होती है उसको बोला जाता है, में बैठकर स्कूल जाते हैं, नदी को पार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा केरल में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वल्लम का इस्तेमाल किया जाता है, जो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 15 में बोल रखा है रेगिस्तान में ऊंट गाड़ी में बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। देखिए, हर जगह का परिवहन अलग अलग रहता है,
तो उसी रेगिस्तान में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? ऊंट का, क्योंकि ऊंट क्या बोलता है, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है उसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 16। 16 में बोल रखा है गांव में मैदानी भागों को बैलगाड़ियों द्वारा बच्चे स्कूल जाते हैं। मैल यानी कि गांव में जो होता है वो मैदानी भागों को बैलगाड़ियों द्वारा बच्चे स्कूल आराम से पार कर लेते, कि मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी आसान से चली जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 17। 17 में बोल रखा है बर्फ पर चलने हेतु कई बच्चे आपस में हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, आपने भी कभी देखा होगा जब क्लाइंबर होते हैं जो बर्फ के चलते होते हैं, स्कीमर होते हैं, तो अधिकतर वो है ना कमर में रस्सी बांधकर एक दूसरे को चलते हैं। कभी आपने देखा होगा या फिल्मों वगैरह में जब वो कैंपिंग करते हैं तो सबों ने अपने कमर में एक रस्सी बांध रखी होती है, और लाइनिंग में जो एवरेस्ट होते हैं वो भी ऐसे ही चलते हैं, वो अपने कमर में रस्सी बांध के दूसरे एक साथी को दूसरे को अपने आप को बांध गया, यानी कि कोई अधिकतर कोई बर्फ में खड्डा होता है जिसके कारण वो गिर जाए उस खड्डे में, तो एक साथ वो गिरे तो वो रस्सी से बंधा रहे जिसके कारण बाकी बच्चे जो उन्होंने बांध रखे कमर में रस्सी उसको पकड़ के खींच ले, जिससे उसकी सेफ्टी ज्यादा हो जाती है इसके कारण। ओके, उसी तरह से बच्चे जो बर्फ में चलते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हुए बर्फ में पांव जमाते हुए चलते हैं, क्यों, अगर किसी को कोई अगर एक बच्चा आगे बर्फ में जाके गिरा तो बाकी उसको हेल्प करके बाहर निकाल सके, यानी कि वो कोई दुर्घटना होने से बच सके इसलिए। ओके, और आज का लास्ट पॉइंट 18। 18 में बोल रखा है जुगाड़ एक वाहन होता है जो कि फटफट की आवाज करता है। देखिए जुगाड़ जो आपने अधिकतर देखा भी होगा आजकल दिल्ली में, अगर आप रहते हो तो दिल्ली में देखो एक स्कूटर सा चल रहा है, मतलब एक रेडी होती है जो सब्जी की रेडी वगैरह होती है, उसमें वो स्कूटर का इंजन नीचे लगा देते हैं और वो चलाते हैं, तो उसी को जुगाड़ बोल जाता है। ओके, जो कि आवाज कैसी करता है, फटफट की तरह आवाज करता है। इसके आगे हिस्से में जो मोटरसाइकिल जैसा होता है, यानी कि आगे देखा होगा आपने जो स्कूटर का है, वो हैंडल होता है वो लगा देता है, और नीचे इंजन भी स्कूटर का लगा देता है या बाइक का लगा देते हैं, तथा पीछे के भाग में लकड़ी के फट्टे प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि पीछे आपने रेडी का देखा होगा, रेडी में जो पीछे का प्रयोग होते हैं वो लकड़ी के फट्टे होते हैं, और ये अधिकतर कहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये गुजरात में किया जाता है। दिल्ली में तो फिलहाल आजकल इसको ऑन रोड हाईवे पे ले जाना बैन कर दिया गया है, तो इसलिए दिल्ली में इतना इसका उपयोग नहीं हो रहा। तो सबसे ज्यादा इसका उपयोग कहाँ होता है, गुजरात में। दिल्ली में तो फिर भी रेडी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गुजरात के अंदर जो होता है आगे जो जनरेटर का इंजन होता है ना उसको लगाकर पीछे फट्टे काफी लंबा, एक लगा लो मिनी 402 ट्रक ही बना देते हैं उसको, तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, गुजरात के अंदर, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज लाता रहता हूँ आपसे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।